उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ है सीएसएस में नहीं है, तो इस वजह से, क्योंकि जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है वहां पर उर्दू एक्सटेंसिवली यूज होती है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी में उर्दू यूज नहीं होती। क्या नाम है, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा उर्दू इस्तेमाल की जाती है, हालांकि उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों की है, लेकिन वहां पर इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं है। इसी वजह से पीएमएस में आपको उर्दू मिलेगी, पीपीएससी के पेपरों में भी उर्दू होगी। इसके अलावा क्या नाम है, कोई और पेपर होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, लीगल इंस्पेक्टर का, उसमें उर्दू का पेपर जरूर होता है, या मिनिस्ट्रियल का। इस वजह से उर्दू की इम्पोर्टेंस पंजाब लेवल पर काफी ज्यादा है। अब पीएमएस में जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हिट होता है ना, वो सबसे पहले नंबर पर है जीके, जनरल नॉलेज, दूसरे नंबर पर है एसे, फिर प्रेसी, और फिर है उर्दू। इन सब्जेक्ट्स को वो ज्यादातर टारगेट करता है, इनमें फेल करता है बच्चों को। ये तो आपको इंग्लिश वाले टीचर पढ़ाएंगे और ये जीके जीके वाले टीचर पढ़ाएंगे। जो उर्दू है इसके बारे में मशहूर है कि 2018 का जो टॉपर था सीएसएस का, वो पीएमएस की उर्दू में फेल हो गया। ये सब्जेक्ट कितना टफ हो जाता है कई दफा। उसमें मसला ये है कि वही बात कि जो इस्लामिक स्टडीज में मैंने आपको बताई थी कि क्योंकि हमने आज तक पढ़ी हुई है उर्दू रटे वाली, हमने पढ़ा हुआ है कि जी ग्रामर के, उर्दू पंजाब टेक्स्ट बुक की ग्रामर की किताब होती थी, उसके अंदर 5-6 ऐसे थे, उसी में से कोई आ जाता था, फिर इसी तरह क्या नाम है, कुछ पैराग्राफ होते थे, कंप्रिहेंशन वहां से आ जाती थी, ट्रांसलेशन भी वहां से आ जाती थी, मतलब कुछ चीजें थी, उसमें आपको अपनी कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पीएमएस की उर्दू है ना, वो बेसिकली इंग्लिश के प्रेसी और एसे दोनों को अगर मिला दिया जाए ना, उस तरह का एक सब्जेक्ट है। इसमें आपको एसे भी लिखना है, आपने तलखीस भी करनी है, उसको प्रेसी बोलते हैं, आपने ट्रांसलेशन भी करनी है। हाँ जी, ये सारे 100 नंबर के ही होंगे। नहीं, मैंने ये बताया है कि जिस तरह पीएमएस में जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फेल होता है वो जनरल नॉलेज है, फिर एसे है, फिर प्रेसी है, और फिर उर्दू का सब्जेक्ट। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि पीएमएस की उर्दू एक उसका फिल्टर है एग्जामिनर के लिए, वो इसमें बच्चों को फेल करता है। क्यों फेल करता है? क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे उर्दू की अहमियत होती है, उर्दू इस्तेमाल होती है हमारे दफ्तरों के अंदर, इसीलिए पीपीएससी के पेपरों में उर्दू होती है, एफपीएससी के पेपरों में उर्दू नहीं होती। आपने वन पेपर दिया हो ना पीपीएससी का, तो उसमें कुछ पोर्शन होता है उर्दू का 10 नंबरों का, एफपीएससी में अगर आप देंगे जाके तो उसमें उर्दू का पोर्शन नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि वहां पे उर्दू फेडरल लेवल पे इस्तेमाल ही नहीं होती, वो इंग्लिश में कर रहे होते हैं सारे कम्युनिकेशन। अच्छा, जो उर्दू का सिलेबस है ना, उसमें एक तो है मजमून नवेसी, तलखीस निगारी, तर्जुमा, अंशा, ग्रामर व अंशा, जुमलों की दुरुस्तगी और हम काफिया अल्फाज और मुहावरात, ये सारी चीजें शामिल है। अंशा कॉम्प्रिहेंशन जो आप इंग्लिश में बोलते हैं ना जिसको, वो चीज है, मतलब आपको सवाल दे देते हैं उसके अंदर से आपने वो क्वेश्चन निकालने, इंग्लिश से उर्दू होगा, इंग्लिश पैराग्राफ होगा उसको उर्दू में कन्वर्ट करना होगा, ये बेसिकली इसका सिलेबस है। मजमून भी होगा, मजमून आता है 30 नंबरों का,
फिर आती है तलखीस 15 नंबरों की, जुमलों को दुरुस्त करना होता है 10 नंबरों का, ये वाले जो अल्फाज होते हैं ये होते हैं 15 नंबरों के। अच्छा, इसमें जो तर्जमा है वो है 15 नंबरों का, और ये ग्रामर वाला पोर्शन ये एक ही है, जुमलों की दुरुस्ती और ये, इसमें से दोनों चीजें बन जाती हैं। और एक पोर्शन होता है तशरीह का, जिसके नंबर हैं 15, 3, 6, 5 चार देता है, उसमें से 3 की करनी होती है। इसी एक पैराग्राफ होता है उसमें 30 करनी होती है, मजमून में आपके पास 4 उसमें से एक पैराग्राफ आपने उसका तर्जमा करना है, जुमले जो होते हैं 10 होते हैं उसमें से आपने 10 के 10 ही करने होते हैं। और हम काफी अल्फाज होते हैं वो आपके पास 10 होते हैं उसमें से 5 करने होते हैं। इस तरह इसकी सब्जेक्ट है 100 नंबर का, इसमें से अगर आप 40 लेंगे तो आप पास होंगे, यानी कि मार्क्स की आपकी जरूरत है पास होने की। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीएमएस में इस सब्जेक्ट के फेल होने का डर है, वो हम जिस तरह हर टॉपिक पढ़ेंगे बताऊंगा कि अब बच्चे क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, आप लोगों ने किस तरह इसको अच्छा कर किताब में लिख भी आया हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। इसका आपने ना रिलेशन लेना है, ये तो सेकंड हैंड ये मिल जाती है, ये देखिए इसके बारे में पुराना है, ये ना नीचे मैम कर अपना बंद कर बैठे हुए हैं, दो बच्चे बैठे हुए हैं, कोई नादिर है, हसीन है। हाँ, अपना माइक बंद कर दो। राइटर का नाम है डॉक्टर इशफाक अहमद विर्क और डॉक्टर गफूर शाह कासिम। डॉक्टर इशफाक अहमद और डॉक्टर गफूर, ठीक है, इनकी किताब है कलीदे उर्दू, इसमें आपका तकरीबन सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब चले हो गया, म्यूट हो गया, ठीक है। अच्छा, हम किधर थे? हाँ, ये जो किताब है कलीदे उर्दू, इसमें आपका ये सब कुछ कवर हो जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो बेसिकली कलीदे उर्दू खरीद लेते हैं। इस किताब के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा कि मजमून लिखते कैसे हैं, तलखीस करते कैसे हैं, या फिर तशरीह किस तरह करते हैं। ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों के ऊपर ना आपके नंबर काउंट होते हैं। ये भी ठीक है, इनकी किसी हद तक है अहमियत, लेकिन उसको पेपर वाले को सबसे ज्यादा इन 3 चीजों की परवाह होती है कि ये बच्चे ने कैसे की हैं, इसलिए मैंने इनको ऊपर लिखा है। इनकी इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। ये अगर आपको उर्दू में करना ही आता है ना, तो आपके 99.9% चांस है कि आपको आएगा। अगर आप ये बेशक जितना मर्जी रट्टे मार लें जुमलों की दुरुस्तगी, ये दिए होंगे आपको, लिस्टें मिल जाएंगी इसकी, इसके अंदर हम काफी अल्फाज भी होंगे, महावरात भी होंगे, और उसके अंदर जुमलों के दुरुस्त करने की कई कई लंबी लंबी लिस्टें होंगी। आप वो सारी रट्टे मार लेते हैं, आपके इसमें से 15 में से 15 भी मार्क्स आ जाते हैं ना, तो अगर आपको उसको आप मजमून लगा उसने आपको फेल कर दे किसी तरीके, 30 नंबर 30 से वो 5 देके आपको फेल करेगा, क्योंकि अगर ये 3 जो है ना मेन चीज है उसके नजदीक, यहाँ जितने मर्जी नंबर लेते रहे उसे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एनालिटिकल चीजें ये है ना, ये तो रट है,
आप रटे मार लें वो लिस्टें, तो जितने वो करना होगा कर लेंगे, यहाँ वो चीजें जिससे उसको पता चलेगा कि आपको उर्दू के ऊपर कितनी ग्रिप हासिल है। फिर उर्दू, एक और गलती करते हैं बच्चे कि उर्दू फॉर्मल लिखनी है, जिस तरह इंग्लिश फॉर्मल लिखते हैं ना आप अपने पेपर के अंदर, इसी तरह उर्दू भी फॉर्मल होती है। यानी कि आपने के लिए को इकट्ठा नहीं करना, हिजों को दुरुस्त लिखना है। अब हिजों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये देखें, ये मैंने गलती की है, दो हिजे हैं ये के भी बे के भी, हिजों की गलती नहीं करनी, ये वो चीजें जो उसे तंग करती हैं, ग्रामर की गलती नहीं करनी। हिजों की गलती ये होती है, जिस तरह अगर मैं लिख दूं कि ज्यादा सीन के दंडे डले हुए, ये उसको ना कहते हैं चिड़ है इससे, यार इसको इतना नहीं पता कि सीन के कितने डंडे हैं, तीन आप नहीं लिखना चाहते आप यूं कर दें तो तीन नहीं पूरे होते, ठीक है, इस तरह की गलतियां नहीं करनी। फिर दूसरी गलती बच्चे ग्रामर, उर्दू ग्रामर की करते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलता कहाँ पे ये लिखना है, ये वाला ना लिखना है, कहाँ पे ये वाला ना लिखना है, अच्छा ये इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है, ये कहाँ इस्तेमाल करनी कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी, इस तरह की गलतियों की वजह से ना वो गुस्सा खाता है, वो कहते हैं इतने लेवल पर आ गए हैं बच्चे और इनको इतनी सी बात का नहीं पता, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आपने करनी है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में करनी है अपने एट द टाइम ऑफ जॉब, तो अगर आपकी जॉब में ये गलतियां होंगी ना इस तरह की चीजें तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। आपकी जो लिखी हुई तहरीरें होंगी वो मीडिया पर आएंगी, देखें जब गर्मियों की छुट्टियों का एक नोटिफिकेशन आया है वो मीडिया पर चप रहा है, अगर उसके अंदर ग्रामर की गलतियां हो तो कितना मजाक उड़ेगा एजुकेशन के डिपार्टमेंट का, आप खुद सोचें। इसी तरह उर्दू में कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, अक्सर जगहों पे नोटिफिकेशन लिखे होते हैं, आप बैंकों में चले जाएं भाई लगा होगा नोटिफिकेशन, दफ्तरों में चले जाएं, उसके अंदर किसी की किसी भी किस्म की गलती आ गई ना तो वो आपके सर पर होती है, वो ऑफिसर्स ने डिक्टेट करवाना होता है अपने क्लर्क्स को, वो खुद नहीं लिखते, तो यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी है नोटिफिकेशन को लिखना और फिर उनको उनके नीचे साइन करना, अगर आप किसी और से भी लिखवा रहे साइन तो आप ही कर रहे हैं नीचे, इसलिए उसको गुस्सा आता है कि जब आप चाहे इंग्लिश है चाहे उर्दू है उसमें कहां पर डैश लगाना है, ये कहां लगाना है, अच्छा फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं बच्चे उर्दू के अंदर, उर्दू में फुल स्टॉप नहीं होता, उर्दू में उसके लिए ये छोटा सा डैश इस्तेमाल होता है जो इंग्लिश में डैश है, अच्छा इसी तरह इसका निदाइया और फिजाइया का नहीं पता होता ये कहां इस्तेमाल करने, ये दो दो तीन तीन लगा रहे होते हैं बच्चे, जिस तरह पता नहीं कोई कॉमिक्स लिख रहे हैं, भूल गया मैं कहाँ था बोला, हाँ इस तरह मतलब ये कुछ ग्रामर के असूल हैं कि आपने कहाँ पे कौन सा जिसको कह रहे हैं अराब इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ये गलतियां होती हैं। कुछ बच्चों की सबसे एक और गलती होती है कि मजमून नवेसी में वो हेडिंग्स बना रहे हो सुर्खियां बना रहे होते हैं, मजमून नवेसी किसी भी किस्म की है ना उसकी एक टेक्निकल चीज है, उसके अंदर हेडिंग्स नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि होता ही इस तरह है, आपने किसी भी जगह पे अभी सर्च कर ले गूगल के ऊपर कोई भी ऐसे किसी भी चीज के ऊपर, उस ऐसे में देखें कहीं पे हेडिंग होगी, कहीं पैराग्राफ बनते हैं, कभी भी नहीं हेडिंग्स आती होती ऐसे के अंदर, अब चाहे वो उर्दू का इंग्लिश का चाहे पंजाबी का है, पंजाबी में भी ऐसे लिखना होता है पीएमएस के अंदर, तो उसमें सुर्खियां नहीं होती, वो गलती करते हैं। फिर तशरीह में करते क्या है कि शेर के ऊपर फोकस करते हैं मुकम्मल, ठीक है उसका मफहूम नहीं बताते, उसके शायर का नहीं बताते शायर क्या है, अगर शायर आपको नहीं पता तो आप उसके मफहूम को थोड़ा बताएं, आप अंदाजा लगाएं कि वो किस लिटरेरी टाइप का है, मतलब उसके अंदर इश्क मजाजी है इश्क हकीकी है, किस तरह की बात हो रही है उसमें, या फिर गमे जमाना है या गमे जाना है, इस तरह की बातें नहीं करते जो उसको समझ आती है जो उसकी बातें, आप इस तरह वो लोग बातें करते रहेंगे, जिस तरह एक शेर है हमारी दफा आया था शेर, मैं भी बताता हूँ आपको, 2020 के अंदर
जैसा कि कब नजर आएगी बेदाग सब्जे की बार, खून के धब्बे धुलेंगे कई बरसातों के बाद। ठीक है, अब इसके ऊपर लोग लगे रहेंगे जी बरसात हो रही थी, बारिश होती है, सफाइयां होती हैं, चीजें पाक हो जाती हैं, बारिश का बहुत फायदा होता है, ये बातें नहीं है इसके अंदर। बेसिकली ये फैज का शेर है, कब आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कई बरसातों के बाद। ये एक गम की निशानी है कि उसे, अगर आपको कुछ नहीं पता इस शेर का बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है मुझे तो चले पता है, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं पता आप सिंपली दे सकते हैं कब आएगी बेदाग सब्जे की बहार। एक उकताया हुआ शख्स, थका हुआ शख्स पूछ रहा है कि भाई कब आएगी ऐसी बहार मेरी जिंदगी के अंदर, मैं गमगीन, ये बात आ रही है, ये आपने टर्न लेनी है। खून के धब्बे धुलेंगे कई बरसातों के बाद, कि अब इतने गम लग चुके हुए, इतने दुख मिल गए हुए कि अब कई बरसातें लगेंगी, मतलब बहुत सारी मुझे खुशियां चाहिए तब जाके इस गम का जो वजन है वो बराबर हो सकेगा। गम का पलड़ा इतना भारी हुआ है कि अब इतनी खुशियां मिले तो तभी मेरा वो पलड़ा भारी हो। इस तरह आपने तशरीह करनी है कि उसके जो, अब शायर सीधी बात नहीं करता, वो ये बात इस तरह नहीं लिखेगा, वो उस तशबीहों, इस्तारों और तलमीहों से यूज करेगा, उस तरीके से उसने बात करनी है। इस वजह से लोग अब क्या करते हैं, उन तशबीहों को एक्सप्लेन करते रहते हैं कि जी अगर खून के दफे घास के ऊपर डले तो वो बड़े जम जाते हैं, वो उतरते नहीं खून के दाग, उसको धोने में बड़ी मुश्किल होती है, इस तरह की बातों में लगे रहते हैं, वो तशरीह गलत हो जाती है। वो भी लिखना होता है, वो भी लिखना, तो वो अब बताऊंगा मैं जब हम ये करेंगे ना मफहूम। मैं वैसे बात बता रहा हूँ कि बच्चों के फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। अच्छा, फिर तलखीस होती है, बच्चों को पता ही नहीं होता तलखीस है क्या। अब इंग्लिश में वर्ड है प्रेसिंग, मैंने लिटरली अपने पेपर के दौरान एक बच्चे को पीछे से, मतलब वो मेरी कुर्सी को बार बार वो पाँव मार रहा था, मैंने कहा ये क्या हुआ है भाईजान, कहता ये तलखीस है क्या चीज ये जो पेपर में आ गई हुई है। तो ये बेसिकली प्रेसी ही है, लेकिन उर्दू की प्रेसी इंग्लिश की प्रेसी से थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि उर्दू की प्रेसी जो है ना उसमें सलीस भी शामिल है। सलीस मतलब ये कि अल्फाज को आपने आसान भी करना है, इंग्लिश की प्रेसी के अंदर आसान करना जरूरी नहीं होता, आपने बेसिकली उसके आइडिया को एक्सप्लेन करना है, छोटा करना है, कंडेंस करना है। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, आप जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह आ रहे हैं लोग, तो इस वजह से तो पासिंग रेशो ओनली 2% होती है। अभी आप ये जहन में डाल लें कि आप जो कि पंजाब के लोग हैं ना, मैक्सिमम 1000 बच्चा होगा जो तैयारी कर रहा होगा, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको फुल। उसमें से 300 से 400 लोग गलत तैयारी कर रहे होंगे बेचारे, मतलब किसी गलत मेंटोर के, किसी गलत टीचर के पास चले गए होंगे। तो असल मुकाबला आपका 600 से 700 के दरमियान लोगों के होता है। अगर 30,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो असल मुकाबला आपका 600 से 700 लोगों के दरमियान है, उनमें से आपने लेने हैं। उनमें से पास होंगे सीएसएस के अंदर 300 होंगे और पीएमएस के अंदर 250 होंगे तकरीबन, उनसे ही आपका मुकाबला है, बाकी और किसी से मुकाबला नहीं होता। तो इस फिगर से भी नहीं डरना कि 40,000 बच्चे ने अप्लाई कर, बच्चे वही हैं जो तैयारी करने वाले हैं। आप देख लें आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, लेकिन आप अप्लाई करने के वक्त जब आप वो फिगर देखेंगे, वो अभी सीएसएस में 60,000 बच्चे ने अप्लाई किया हुआ था, तो तैयारी सिर्फ वही एक चंद छोटा सा ग्रो कर रहा होता है डेडिकेटेडली, उसमें से भी कुछ बेचारे गलत गाइड हो रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भी तलखीस में इसी तरह गलतियां करते हैं, इसी तरह तर्जमा होता है, ट्रांसलेशन होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलिटरेशन करते हैं। ट्रांसलिटरेशन बेसिकली होती है अगर अपने लफ्ज़ पर लफ्ज़ किस वर्ड टू वर्ड किसी की करना, ये गलत है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे उर्दू है, आपने ट्रांसलेशन करनी है। उसमें मुहावरे यूज हो रहे होंगे, अगर इंग्लिश में उसने मुहावरा यूज कर लिया है तो आप नीचे लिखेंगे ट्रांसलेशन करनी है, उसका लिखना नहीं है गिरे हुए दूध के ऊपर रोना शुरू, और फोकस करते हैं इसके ऊपर, कभी फोकस नहीं करना, प्यार करना, ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ देना है, लेकिन फोकस आपका इनके ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रेसी वगैरह के पेपर है इंग्लिश के हैं चाहे उर्दू के पेपर है, आपकी जो लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप का पेपर चेक हो रहा है,
पेपर का मकसद क्या है, हर पेपर का एक मकसद है। जिस तरह मैं इस्लामिक स्टडीज में बताता था कि उसका मकसद क्या है कि आपको इस्लाम के मुतालिक इल्म कितना है, उर्दू के पेपर का मकसद है कि आपको उर्दू जुबान पे अबूर कितना हासिल है, आपको उर्दू अदब का कितना पता है। उर्दू क्योंकि हमारी कौमी जुबान है, हमारी दफ्तरों की जुबान है, जितना आपको इसके ऊपर अबूर हासिल होगा, जितनी आपको इसकी हयात और जिसामत के मुतालिक पता होगा, उतना ही ज्यादा आपको अपने काम के मुतालिक पता होगा। फिर और बात होती है कि इसमें बोलता है तर्जमे के अंदर के कांट छांट से गुरेज करें, मतलब आप बातें इसको छोटा नहीं करना, वो इसमें करना है तलखीस में, इसमें आपने उसको ट्रांसलेशन करनी है, उसकी बातों को पूरा सुनाना है, कोई भी आइडिया मिस नहीं करना। अब जो मजामीन होते हैं ना, मजामीन चार आते हैं, चार में से दो या तीन मजमून जो होते हैं ना वो करंट अफेयर्स के होते हैं, करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स के आप कह लें, मतलब जिस तरह पिछली दफा कोरोना के आया हुआ था, फिर एक दो बल्कि आए हुए थे कोरोना के ऐसे, उसमें से एक ऐसे जो होगा वो लिटरेरी होगा या लिटरेचर पर होगा। दो किस्म के ऐसे होते हैं, जो लिटरेरी ऐसे होते हैं ना अदबी मजमून वो और होता है, अदब पर मजमून और होता है। आप अदब पर तो मजमून लिख सकते हैं, अगर आपने उर्दू लिटरेचर पढ़ा हुआ है, आपका एमए उर्दू लिटरेचर है, तो आप अदब पर मजमून कर सकते हैं। अदबी मजमून नहीं करना आप, ना ही उर्दू में, ना ही पंजाबी में, ना ही इंग्लिश में। अदबी मजमून क्या होता है, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जिंदगी जियो शान से, हालात हाजरा, हाँ जी करंट तो। अच्छा अदबी मजमून होता है जियो जिंदगी शान से, या शेर की जिंदगी एक दिन की, जिधर अदब पर किस तरह होगा, जैसे पंजाबी शायरी में सूफिया का किरदार। अब ये बेसिकली सादा करने वाला ही ऐसे, अगर आपको पता है कोई आप समझ आता है कि है। या फिर अदब की अहमियत, ये वो है जो अदब पर मजमून है। उर्दू का जनरल नॉलेज का भी फर्क ये मुझे लग रहा है। हाँ ठीक, लेकिन ऑलमोस्ट वो एक की तैयारी करे तो दूसरी की होती है, तो सिर्फ जनरल नॉलेज और उर्दू एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ये अब सबने नोट कर लिया, कलीदे उर्दू किताब है और वो मजमून जो हो,
कलीदे उर्दू लिखने बेचक लिखने अगर बात समझ आ गई तो ठीक है, वो अभी जब मजमून नवेसी का करेंगे तब ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपने कलीदे उर्दू में से करनी क्या क्या चीजें हैं। हाँ बस सोच रहे हैं लोग के इसको इसके ऊपर कन्वर्ट किया जाए, जॉब को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ ये तो होता है। अब चूंकि वो पर चलाने वाले जो कि पुराने दौर के लोग हैं उन्होंने अभी तक मोबाइल नहीं सीखा, आप कह रहे हैं जूम सीखा, तो आपने एक लीजिए उर्दू में से ये अब करने हैं, ठीक है। चौथा आठवां पांचवा 4, 8, 5 सेकंड इन ये वाले बाब करने, सारे बाब नहीं करने। उसमें से भी आपने जो मजमूनों वाला बाब है ना पांचवा, वो ये नहीं है कि सारे मजमून रटे लगाना शुरू कर देने, उसमें से आते हैं मजमून लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये कलीदे उर्दू में से लिखा होगा। एक ही किताब है पीएमएस की उर्दू की, वो है कलीदे उर्दू, ये शायद मेरे ख्याल एक वर्ल्ड टाइम्स की और किताब है उसके, वो तो उर्दू का प्रोफेसर है। आपने तो सिर्फ एक पीएमएस के लिए पढ़ी है, आप नकल मार के लिखेंगे, आपने कोई रटा मारा होगा वो नहीं पास करेगा आपका मजमून। ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे साथ जो मुझसे पहले तैयारी कर रहे थे या मेरे साथ जो तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने, उन लोगों के साथ हो चुका है, उन्होंने सेम टू सेम कलीदे उर्दू वाला छापा, उनकी उर्दू पास नहीं हुई, वो क्रॉस कर देते हैं, उसे पता चल जाता है इसे रटा मारा होगा। क्यों? क्योंकि मकसद पेपर का एक ही है, आपकी जुबान के ऊपर कितनी ग्रिप है ये चेक करनी है उसने, एनालिटिकल स्किल्स। और इसी तरह फिर बच्चे तलखीसों को भी देख जाते हैं, तलखीसें आती नहीं है। अब उर्दू में ना एक यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बेमौजा दुनिया में उभरती नहीं कौम में। अब देखें ये वाली वो जो चीज है ना, ये वही लिटरेरी ऐसे, ये एक मिसरा है शेर का, ये लिटरेचर पर ऐसे नहीं, ये लिटरेरी ऐसे। तो इस तरह के ऐसे करने में मुश्किल होती है, अक्सर इसमें से सवाल आ जाए। अब मैं आपको ये कह रहा था कि इसके जदीद या लेटेस्ट एडिशन इसलिए लेना है आपने क्योंकि उसके अंदर और अशार ऐड किए गए हैं और मजामीन ऐड किए गए हैं,
अगर किसी बच्चे से नहीं भी होता, खुद नहीं लिखने का स्किल डेवलप होता, तो एटलीस्ट इस तरह तो ना ना करे कि वो बिल्कुल ही छोड़ के पेपर में चला जाए, तो वो वाले मजामीन भी कर सकता है। पुराने एडिशन के अंदर COVID-19 नंबर नहीं लिखा हुआ, आप वो बुक्स एंड बुक्स पे जाएंगे वो आपको बता देगा। जैसे COVID-19 के ऊपर नहीं है था इससे पहले, अब ऐड हो गया है। करप्शन के ऊपर ऐड हो गया है। ये क्या करते हैं कि जो पेपर में आते हैं फिर वो नेसो को ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है शायद इसी में से ऐसे आ। बाकी इसमें जो कुछ बाब हैं उर्दू शायरी का इरतका, आपको उसने नहीं पूछना कि नज़म क्या है, गजल क्या है, इस तरह की बातें नहीं पूछनी। उसने आपसे प्रैक्टिकल उर्दू करवानी है, इतलाक की उर्दू है ये, कि उर्दू का इतलाक कैसे करना है आपने, आपने उसको यूज किस तरह करना है अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो इस वजह से इनके ऊपर फोकस नहीं करना कि तलमीह क्या होता है, इस्तआरा क्या होता है, और किस टाइम पर क्या चीज यूज करनी होती है। उसकी जो थोड़ी बहुत होगी ना एप्लीकेशन, वो है तशरीह के अंदर, वो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी। जब हम तशरीह करेंगे आपको मैं समझा दूंगा कि किस तरह वो करनी है। इन डेप्थ उसकी स्टडी नहीं करने लग जाना उन टॉपिक्स की। फिर इसी बुक के अंदर आपको एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं, वो एमसीक्यूज आपको जीके के पेपर में काम आ जाते हैं, पीपीएससी के पेपर में, वन पेपर में, तो वो उर्दू के लिए ये फायदेमंद हो जाती है। बाकी जो बात है इसमें उर्दू में वो नंबर नहीं आते, मारूजी सवाल नहीं आते, जिस तरह इंग्लिश के प्रेसी के पेपर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं इंग्लिश एससीएसएस के अंदर। पीएमएस के पेपर में सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं आते आपको, होते हैं सारे। ठीक है, अभी किसी को कोई चॉइस, कोई क्वेश्चन हो किसी का, किसी जहन में कोई सवाल हो इसके मुतालिक। आप में से जो जो लोग तो अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी पीएम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू और इस्लामियत के सब्जेक्ट उससे पहले पहले जल्दी खत्म कर, कि जो अगले जून जुलाई में आ जाएगी तो वो इस काबिल हो कि वो पेपर बैठ सके। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का, पेपर में मजमून का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें जो मजमून होते हैं ना वो इंग्लिश जैसा ही है, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज है। जिस तरह इंग्लिश का मजमून होता है उसी तरह उर्दू का मजमून होगा। इसी तरह अगर आप उर्दू की जो नज़में होंगी वो भी उसी असूल पे हैं जिस तरह इंग्लिश की नज़में जिस असूल पर होती हैं, क्योंकि ये एक चीज है, लिखने का तरीका है, एक आर्ट है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं चेंज होगा। वो ऐसे दुनिया में जिस जुबान में भी लिखेंगे उसके असूल और ज़वाबत नहीं। मेरा ये तरीका है कि मैं मजमून के अंदर आउटलाइंस लिखवाता हूँ उर्दू के मजमून में, उसको कहा जाता है खाका। तो खाके में आपने क्या तारुफ, तारुफ के नीचे आपका जो स्टेंस है ना एक दो लाइन जिसको इंग्लिश इंग्लिश में थीसिस स्टेटमेंट होती है ना, मकालाती बयानियां कहते हैं उर्दू में। ये मेरे ख्याल इसके स्पेलिंग वो हिजे इसी तरह है। खैर आपने हेडिंग नहीं देनी इसकी, सिंपली तारुफ के नीचे दो लाइनें लिख देनी है। उसके बाद फिर आपने जो मेन पॉइंट है ना, जैसे फर्ज करें दहशतगर्दी एक जहमत है पाकिस्तान के लिए, आपने दहशतगर्दी के मुतालिक लिखना है पहला पैराग्राफ। की पॉइंट इसको पढ़ते हैं, की वर्ड
पहला कीवर्ड, उसके मुतालिक आपने एक पैराग्राफ लिखना है। फिर जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट में थी ना बातें, जितनी बातें थी, अगर आप फर्ज करें आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी, एक सेकंड रुके जरा, ठीक है मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, दोबारा आता हूँ उस टॉपिक के ऊपर। जो उर्दू की मजमून नवेसी है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसी ही है, लेकिन सिर्फ उसमें जो फर्क आता है वो है लैंग्वेज का। मजमून नवेसी इंग्लिश में करें या पंजाबी में करें या सराइकी में करें, उसके जो असूल और जवाबित हैं वो कभी तब्दील नहीं होंगे। मजमून नवेसी बेसिकली वही कि या तो आप वजाहत करते हैं किसी चीज की, या आप किसी चीज पे तजिया करते हैं। आपने चाहे तजियाती ऐसे करना है या वजाहती ऐसे करना है, उन सब के असूल और जवाबित इंग्लिश में भी वही है, उर्दू में भी वही रहेंगे, क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म है। जिस तरह आप नावल जो उर्दू में पढ़ेंगे उसी तरह के नावल अंग्रेजी में भी होंगे। अब इंग्लिश में आप लिखते हैं आउटलाइन, उर्दू में आपने लिखना है खाका। खाके की आप हेडिंग दे दें या बेशक ना दें, उसको पता चल जाएगा इसने खाका ही लिखा होगा। उसमें पहली हेडिंग आपके तारुफ की होगी, तारुफ या इब्तदाइया, ठीक है। आपने उसके नीचे अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो देते हैं या मकालाती बयानिया जो है उर्दू के अंदर, उसको मकालाती बयानिया कहते हैं, या वो आपने नीचे लिख देना है एक दो लाइनों के अंदर जो भी है। मसलन फर्ज करें कि मजमून है दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए जहमत है, ठीक है। हम मकालाती इसका तारुफ देते हैं, थीसिस स्टेटमेंट देते हैं, दहशत गर्दी पाकिस्तान में जानी माली माशी सियासी व समाजी नुकसान का बायस है। काफी इतनी। बहरहाल इससे छुटकारा मुमकिन है, ठीक है। मजमून में कोई भी आपको वो आता है ना, मसला आता है, तो आपने उसका सलूशन जरूर बताना है। दहशतगर्दी एक मसला है ना, तो आपने उसका सलूशन बताना है उसका हर हाल में। इसी तरह आप जब पेपर में अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसमें भी सलूशन देना लाजमी है, चाहे उसकी मिकदार कम करते हैं, उसको थोड़ा लिखें ज्यादा लिखें। अच्छा हाँ जी, उर्दू में जो मजमून होता है वो होता है 1000 वर्ड्स का, तो 1000 वर्ड्स आपने पूरे करने हैं जैसे भी पूरे आ जाए। अगर आपके एक वर्ड एक पेज पे 150 वर्ड्स आते हैं तो आप लगा लें कितने बनेंगे उसके। हाँ कम से कम 1000 है ना, मिनिमम 1000 है। कोशिश कीजिए कि वर्ड काउंट पूरा हो, वर्ड काउंट पूरा नहीं होता आपने डरना नहीं, वर्ड काउंट जो है ना उसकी लीस्ट डिमांड है। उसको काउंट करने का तरीका ये होता है कि आप पहली लाइन की काउंट करें, उसको बाकी पेज की जितनी लाइनों से मल्टीप्लाई करें, फिर जितने पेजेस हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई कर दें। एक दो दफा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका एसे जो है वो कितने पेजेस पे जाए तो वो वर्ड काउंट पूरा हो जाता है। अभी तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ऑनलाइन बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, कोई किसी को कोई इशू हो या समझ ना आ रही हो। तो सर ठीक है, ठीक हो गया, चले ठीक है। वर्ड काउंट पे आपने ज्यादा तवज्जा नहीं देनी, फिर अगर पूरा होता है तो ठीक है, नहीं पूरा होता तब भी कोई मसला नहीं है। असल आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपके आर्गुमेंट्स के ऊपर, आपके दलाइल के ऊपर, आपके दलाइल क्या है। अगर वो उसे अच्छे लगेंगे तो ही आपका ऐसे पूरा होगा, क्योंकि ऐसे जो है एक इंतहाई फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग है मजमून नवेसी जो है, तो इस वजह से इसके जो असूल और जवाबित है वो जरा सख्त है। आपने थीसिस स्टेटमेंट कोई भी दे दी इस तरह जिस तरह आप इंग्लिश में देते हैं, फिर आपने सबसे पहले तारुफ के बाद थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने जो पहला वो वर्ड है ना, की वर्ड जो होता है ऐसे का, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे क्या है दहशत गर्दी पाकिस्तान में, दहशत गर्दी दहशत गर्दी, ठीक है। अब इसके अंदर आप लिखें कि जी पाकिस्तान में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर एक पैराग्राफ होगा, अगला पैराग्राफ होगा दहशतगर्दी के जानी नुकसान
नुकसान आउटलाइन ही बना रहे हैं ये, पेपर में पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, खाके में तो पूरा नहीं ना लिखेंगे पैराग्राफ। हाँ जी, इसके अंदर भी लिखना है, मैं अभी सिर्फ आपको मेन हेड्स बता रहा हूँ। हाँ दूसरे वाला है, सॉरी दूसरे वाला है, बहरहाल है। हाँ अगर आपसे कटिंग भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, आपने सिंपली जिस तरह अगर फर्ज करें मैंने गलत लिख दिया, आप इसको यूं करें और ठीक लिखें, इसमें मक्खी नहीं मारनी, इसको यूं यूं करते रहना, सिर्फ हल्का सा क्रॉस यूं करें उसके ऊपर ठीक करके लिख देंगे, उससे आगे ठीक करके लिख दें, उससे आगे लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको, आप रिवाइज कर रहे थे पेपर लिख लिया था आपने, फिर नजर आई है गलती तो काट के उसके ऊपर लिख दें, उसको ज्यादा वाज नहीं करना आपने पेंसिल फेर फेर के, ठीक है। फिर आपने मेन हेड्स बताने के जिससे साबित हो आपका थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट आपके एसे की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए और बाकी एसे जो है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट का प्रूफ होना चाहिए। आपने क्या लिखा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में माशी सियासी और समाजी नुकसान आपका बायस है, यही आपने नीचे बताने दहशतगर्दी। फिर आपने क्या लिखा कि बहरहाल इससे छुटकारा मुमकिन है, यही लिखना है आपने आगे कि दहशतगर्दी से छुटकारा पाने के तरीके या उसके हल, दहशतगर्दी का हल, उसके नीचे आप सारे हल लिखेंगे। तो ये जब हम मजमून करेंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये चीजें। इस तरह ये मतलब उर्दू का ऐसे होता है कि आपने उसको जिस तरह अंग्रेजी का ऐसे आप एनालिटिकल वे में लेके चलते हैं उसी तरह उसे लेकर चलना है। उर्दू का ऐसे जो बच्चे मैट्रिक में लिखते हैं ना वो बेसिकली लिखते हैं वो इलामा इकबाल और कायदे आजम वाला ऐसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, फिर वो वहां पैदा हुए, फिर वो वहां जाना शुरू हुए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, यही दहशतगर्दी वाले में करते रहेंगे। शुरू करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हुई अफगान जहाज से, अफगान जहाज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, फिर ये करते रहेंगे दहशतगर्दी से। असल चीज क्या है, दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए जहमत है कि दहशतगर्दी का पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है, बेसिकली वो ये पूछ रहा है। इधर उधर ज्यादा नहीं जाना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाले पैराग्राफ में बता दिया कि जी अफगान जहाज से शुरू हुई, अमेरिका ने की मौजूदगी की वजह से इसमें और इजाफा हुआ, इस तरह की बातें आपने लिख लेनी है। लेकिन आपका मेन फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए किस तरह ये जहमत है। कोई भी चीज जहमत क्यों होती है, क्योंकि उससे नुकसान होता है। नुकसान किस तरह के होते हैं, माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है और माशी माशर्ती नुकसान होते हैं, सियासी नुकसान भी होते हैं। सियासी नुकसान ये है कि देखिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद होगी दहशतगर्दी की वजह से, हमें एक लीडर की कमी आई, उस लीडर की कमी नहीं पूरी हो सकी उसी वक्त में 2008 में जो हमारे हालात खराब हुए, वो क्यों हुए, एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया दारुल हुकूमत के अंदर कि रहनुमा एक शहीद हो गया तो वो कौन उसकी जगह ले। जो भी रहनुमा बनता है रिगार्डलेस कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे एक बड़ी सियासी जद्दोजहद होती है, कोई भी हो, अच्छी है बुरी है मैं इस चीज पे नहीं जाता, उसके पास एक सियासी सूझबूझ होती है। कल को चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, इनको किसी को भी शहीद कर दिया जाता है, वो पूरी सियासी सूझबूझ जो उन्होंने पूरी जिंदगी के अंदर हासिल की होती है वो जाया हो जाती है, वो पाकिस्तान के किसी ना किसी काम तो आती है वो जैसे भी लोग हैं, तो उसका यह सियासी नुकसान हुआ। फिर उसकी वजह से इलेक्शन डिले हुए थे, इंतखाबात में डिले हुए थे, तो ये उसके एक और सियासी नुकसान मैंने आपको बता दिया। फिर हम उसके सोल्यूशन के ऊपर लिखेंगे। इस तरह आपने ऐसे लिखना है कि आपका ऐसे आपकी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूफ करे और आपकी थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे के उन्वान में से आएगी, ठीक हो गया। ये होता है कुछ ऐसे का। इसी तरह तशरी की भी कुछ होती है कि आपने तशरी करनी है तो खाली ये नहीं करना कि जो उसमें लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करते रहना है, बताना है कि वो उस तशरीह का माखज क्या है, उसमें कौन सी। अच्छा अब ये देखें, मेरे खुदा मुझे इतना तू मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूं इसको घर कर दे। अब इसमें ये नहीं बताना कि मकान और घर में डिफरेंस क्या है, बेसिकली वो क्या चाहता है कि या अल्लाह मुझे इज्जत चाहिए, मैं दुनिया के अंदर एक कसम पुसरी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं जिस मकान में भी रहता हूँ वो मुझे मेरा अपना घर महसूस नहीं होता। अब घर क्या होता है, जो आपका अपना हो जिसमें लोग रहते हैं,
मकान कहता है खाली होता है कि वो खाली खाली तन्हाई महसूस करता है। तो कहते मैं जिस जगह रह रहा हूं मुझे वहां पर भी तन्हाई महसूस होती है। ये बात आपने करनी है, मकान और घर के डिफरेंसेस टेबल बना के नहीं लिखना शुरू कर देने कि ये डिफरेंस होता है। ये कुछ तीन चार बातें थी इंट्रोडक्शन के तौर पर। इसके बाद हम प्रॉपर शुरू करेंगे। पहले मैं फोकस करूंगा इसके ऊपर, गजलों के ऊपर, फिर हम जुमलों की दुरुस्तगी के ऊपर आएंगे, दुरुस्त करेंगे उन जुमलों को तो आपकी ग्रामर काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। फिर हम आएंगे इनके ऊपर, क्या नाम है, तलखीस, ट्रांसलेशन और मज़मून, क्योंकि आपने ये तब लिख सकते हैं जब आपकी ग्रामर सीधी हो, के अंशा पदार्थ भी उर्दू में बोलते हैं इसे, अगर वो दुरुस्त होगी तो तभी आप सही कर सकते हैं आगे। हाँ जी, वो बेसिकली उर्दू कॉम्प्रीहेंशन है वर्ड, अंशा पदार भी है ग्रामर बेसिकली, अंशा व पदार। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो अब किसी के जेहन में? चले ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। ऑनलाइन क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन हो? अशआर के बारे में हम